हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है नेवर वेट स्प्रे, जो कि आपको पता है कि चीजों को भीगने से बचा लेता है, उनको वाटरप्रूफ बना देता है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन काफी लोगों ने कहा कि आप इसको जूतों के ऊपर ट्राई करके देखो कि क्या ये नेवर वेट शूज को वाटरप्रूफ बना सकता है। तो आज हमारे पास में यहाँ पर है जूतों के ऊपर जो नेवर वेट है वो अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। अगर वाटरप्रूफिंग होती है तो बहुत ही कमाल की बात होगी। और आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों, जूतों के साथ में मैं सोच रहा हूँ कि एक पेपर के साथ में भी ट्राई करके देखते हैं। आपको पता है कि कागज के ऊपर पानी गिरते ही कागज गीला हो जाता है, तो इसके ऊपर पहले नेवर वेट अप्लाई करते हैं, बाद में जूते पे आएंगे। तो यहाँ पर दो स्प्रेज होते हैं, आपको पता होगा, एक बेस कोट होता है, दूसरा टॉप कोट होता है। तो बेस कोट लगता है पहले, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर टॉप कोट लगता है। तो यहाँ पर मैं इस पेपर की आधी सरफेस के ऊपर जो है लगा देता हूँ बेस कोट। इसको थोड़ा हिला लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, आधे के ऊपर हो चुका है, इसको सूखने देते हैं 10-15 मिनट के लिए। और अब इस पे अप्लाई करते हैं टॉप कोट। तो यहाँ पर इसको भी कुछ उसी तरीके से अप्लाई कर देते हैं और सूखने देते हैं। और भाई, वाटरप्रूफिंग टेस्ट के लिए पानी भी चाहिए, लेकिन ये जो पानी अच्छे से नहीं दिखेगा, तो इसमें हम फूड कलर डाल रहे हैं। डालना इसमें और डाल दो थोड़ा, बस काफ़ी है। तो भाई ये जो है नॉर्मल पानी ही है, इसमें हमने सिर्फ फूड कलर घोला है। तो भाई इसमें से भरते हैं पानी इन गिलास में और सीधा लेके आते हैं हमारे पेपर के ऊपर, जो कि हमने वाटरप्रूफ किया है नेवर वेट के साथ। तो यहाँ पर मैं पानी को डालूंगा पहले तो उस हिस्से में जहाँ पर नेवर वेट नहीं लगा है, और आप लोग देखना कि क्या होता है। पेपर गीला हो गया, थोड़ा और डाल देते हैं। पेपर अच्छे से गीला हो रहा है, देखो। अब डालते हैं उस हिस्से पर जहाँ पर नेवर वेट अप्लाई किया है। और गाइस, आप लोग देखो कि ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, ये इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रुक रहा। ओ माय गॉड, बिल्कुल जो है इस पे से फिसल के जा रहा है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है तुरंत से देखो पूरा यहाँ पर गीला हो जा रहा है। गाइस, है ना यार कमाल की चीज। तो अब आते हैं जूते पे। तो भाई, दो में से एक ही जूते के ऊपर मैं नेवर वेट अप्लाई करूंगा, दूसरे को ऐसे ही रखेंगे। तो बेस कोट है मेरे पास में, उसको अप्लाई करते हैं जूते के ऊपर। और मैं नहीं चाह रहा कि इसका कोई भी हिस्सा छूटे, क्योंकि भाई ये कपड़ा है और कपड़े में जो है बहुत सारे पोर्स भी होते हैं, तो पानी जो है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नीचे का सोल ऑलरेडी ही वाटरप्रूफ है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर हमको नेवर वेट डालने की जरूरत है। तो अब इसको रख देते हैं थोड़ा देर सूखने के लिए। और अब बारी है इस पर टॉप कोट अप्लाई करने की। तो भैया, टॉप कोट भी इस पर अप्लाई कर देते हैं यार, इसकी बहुत गंदी स्मेल है, तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। और यार, ये जो टॉप कोट है, ये लगाने के बाद में वाइट सी लेयर क्यों आने लगी है? इधर भी आ गई, देखो। जैसे जैसे सूख रहा है ना, वैसे वैसे लेयर आ रही है। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर ही देते हैं एंड इसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए। तो भाई, नेवर वेट तो अप्लाई कर दिया, लेकिन एक चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गई, और वो है हमारे जूते का कलर। ये था ओरिजिनल, जिस पे हमने कुछ नहीं किया, इस वाले पे नेवर वेट अप्लाई किया और ये जो है पूरा व्हाइटिश हो गया। तो भैया, अगर कोई करे तो दोनों पे ही करे, सिंगल पे ना करे। लेकिन वैसे तो एक्सपेरिमेंट है भाई, कुछ भी हो सकता है, यही तो एक्सपेरिमेंट का मजा होता है कि हमको पता नहीं होता क्या होने वाला है। तो अब इसके ऊपर पानी डालते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, पहनते हैं इसको। तो भाई, जूते मैंने पहन लिए हैं, पानी डाल करके टेस्ट करते हैं इन पे। ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर में मांग के जो है, मांग के नहीं, सॉरी, मंदिर में उठा के जूते हैं यार, दोनों की हालत देखो एक बार। चलो कोई नहीं, पानी डालता हूँ, सबसे पहले इस पे डालता हूँ जिस पे कुछ नहीं है। और गाइस, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो जूता है वो पानी में भीग चुका है। आय हाय, मेरे पैर के अंदर पानी घुस गया। और आप लोग देखो यार, यही होना था। और अब है नेवर वेट वाले जूते की बारी। यहाँ पर भैया मैंने डाला पानी, और आप लोग देखो कि जो पानी है वो जूते के ऊपर रुक नहीं रहा है, जो पानी है वो साइड में चला जा रहा है, थोड़ा बहुत तो अभी भी रुक रहा है। यानी कि वाटरप्रूफिंग काफी हद तक हुई है,
ना तो पैर के अंदर पानी घुसा है और आप लोग देख सकते हो कि अभी भी ये सूखा है। थोड़ा और पानी डालते हैं तो यहाँ पर भाई आप लोग देखो, अरे यार इसमें से मैंने डाल दिया, ओ शिट, पूरे पैर में पानी घुस गया। लेकिन यार इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। चलो इस साइड में डालते हैं पानी जरा, और आप लोग देखो कि भाई जो पानी है वो जूते पे रुकता नहीं है। तो गाइज यहाँ पर अब करते हैं कंक्लूड। तो भाई जो जूते हैं वो मैं कहूँगा कि लगभग 90-90% वाटरप्रूफ हो जाते हैं। थोड़ा बहुत पानी शायद जूतों पे लगा भी रह जाता है, लेकिन बिना नेवर वेट वाला तो एकदम गीला हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ा और अच्छे से हम इसको करेंगे, 2-3 कोट बार बार करेंगे, तो शायद ये भी नहीं होगा। तो यार गाइस कितना कमाल का आइडिया है ना, देखो आप लोग, एक जूता अभी भी भीगा हुआ है और जो दूसरा जूता है वो काफ़ी हद तक सूखा है। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में, इस एक्सपेरिमेंट में, तो नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।